music composer Ismail Darbar, who is caught in an exclusive chat for his upcoming film Bhoomi. Bhoomi, look, what is it? परसों मैंने जब फिल्म देखी एडिटिंग में मुझे संदीप ने फिल्म दिखाई कि बोले सर देखो कैसा लग रहा है आपको तो मैं तो देखने के बाद एकदम खुश हो गया उसको क्योंकि पहली बार मैंने संजय दत्त को इतना इमोशनली इतना अच्छा रोल प्ले करते हुए देखा इतना खूबसूरत काम किया मतलब नो डाउट कि क्रेडिट गोज़ टू उमंग कुमार तो गुड बहुत अच्छी बात लगी मुझे और मैं सारे सीन देखने के बाद अचानक मेरे मन में आया ऐसा कि इस फिल्म का बैकग्राउंड मैं करूं तो मैंने संदीप से कहा यार इस फिल्म का बैकग्राउंड मैं करना चाहता हूं संजय दत्त का काम मुझे बहुत अच्छा लगा यार इतना इमोशनली पहली बार मैं उस आदमी को इतना डूबा हुआ रोल हालाँकि उन्होंने इससे पहले वास्तव फिल्म भी बहुत अच्छी की थी वो भी बहुत गजब का काम किया था उन्होंने लेकिन इसमें उनका एक अलग लेवल पर है वो इंसान तो मैंने सोचा चलो अब मैं अपनी पूरी एनर्जी भूमि के बैकग्राउंड में लगाऊं और कुछ अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं तो अपना जितना जो बेस्ट है मतलब वो करने की कोशिश करूंगा मैं बाकी तो सब उसकी मर्ज़ी है भूमि जो एक जो जिस तरह की कहानी है उसको ये वो वाली कहानी नहीं है जिसमें हीरो आता है और तोड़ फोड़ करके 10-15 लोगों को गिरा देता है वो ये उस तरह की नहीं है बड़ी टची बड़ी इमोशनली कहानी है और हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को लेके ये कहानी है और थोड़ी अलग तरीके से इस कहानी को प्रेजेंट किया है तो मुझे वही चीज़ तो अच्छी लगी ना जिसमें मुझे ऐसा लगे मैं कुछ अच्छा म्यूज़िक कर सकता हूँ इसमें नहीं तो क्या होता है एक रूटीन फिल्म देख देख के आदमी को लगता है हाँ चलो ठीक है मुझे कुछ थोड़ी सी ऐसा लगा कि इस फिल्म के अंदर कुछ मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ आपको अगर कोई चीज़ अपील करती है ना तो उसमें कुछ होता है तभी वो चीज़ आपको अंदर से पुकारती है सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने 22 साल वायलिन बजाया 22 ईयर्स और मेरा घराना जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के फादर के पास मैंने सीखा गणेश अंकल के पास मैंने सीखा जो प्यारेलाल जी के भाई तो ये हमारी इंडस्ट्री के ऑर्केस्ट्रल खम्भे लोग थे जिनको बोला गया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो अभी आप समझ सकते हो कि हम वैसे ही इतनी स्ट्रांग जगह से सब कुछ सीख साख के निकले हैं और उसके बाद फिर मैंने बहुत अंग्रेज़ों के साथ सिंफनी ऑर्केस्ट्रा में भी काफ़ी वायलिन बजाया तो मेरा एक एक्सपीरियंस अंग्रेज़ों के साथ काम करने का भी है तो मैं बड़े अच्छे तरीके से म्यूज़िक को बहुत अच्छे से फ्यूज़न करके निकल जाता हूँ क्योंकि पर्सनली वो ज़िंदगी मैंने जी है इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें बड़ी करने में भी बड़ा मज़ा आता है मेरा कुछ काम करने का तरीका ऐसा है कि मैं ज़्यादा हाजी नाजी नहीं कर पाता हूँ अगर गाना मुझे पसंद आ गया ना तो मुझे ऐसे लगता है कि डायरेक्टर को भी पसंद आना ही चाहिए फिर वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि डायरेक्टर 10 लोगों को पूछ रहा है फिर डायरेक्टर का अपना कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में तो एक तो मैं एक सिचुएशन पर 10 गाने बनाने की आदत नहीं है एक सिचुएशन पे बड़ी मुश्किल से एक गाना सोचता हूँ और जब मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि बाकी सबको भी अच्छा लगना चाहिए और मैं ज़्यादा काम पसंद करना वहाँ पसंद मतलब करता हूँ जहाँ पर देखिए एक सिंपल सी बात है मैंने म्यूज़िक सीखा भी और म्यूज़िक के अंदर पूरी बचपना भी गया मेरा मेरी जवानी भी ख़त्म हुई उसमें अब मैं बुढ़ापे की तरफ जाने से पहले एक बात बता रहा हूँ मैं आपको तो मैंने जिया है उस ज़िंदगी को अभी अचानक एक आदमी जिसके पास बहुत पैसा है और वो बोलेगा ये गाना अच्छा नहीं ये गाना करो मैं नहीं बोलता हूँ कि उसको सेंस नहीं है लेकिन उसको थोड़ा विश्वास रखना चाहिए हम लोगों पर अगर हम कॉन्फिडेंटली बोलते कि नहीं सर ये गाना आप कोशिश कीजिए ये गाना नहीं ये गाना उससे बेटर है तो थोड़ा सा विश्वास उनको रखना चाहिए तो बस वो छोटी छोटी बात है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरा कहना का मतलब यही है कि भाई थोड़ा सा आप किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर को लेते हो मुझे ही नहीं किसी को भी आप अगर लेते हो तो आप उस पर भरोसा कीजिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भूमि को लेके मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई जो चीज़ आपको अचानक ऐसा बोलती है कि यार इसमें मुझे बैकग्राउंड करना है तो उसमें कुछ तो होगा ना भाई
ऐसे तो मैं बहुत सारी फिल्मों का देखते रहता हूँ रिलीज से पहले, बहुत बैकग्राउंड से पहले। तो बैकग्राउंड के साथ में आपने कुछ गाने भी दिए इसके अंदर? नहीं अभी तक नहीं, और भरोसा नहीं, क्योंकि मैं अगर घुस जाऊँगा ना तो फिर देखना, फिर ऊपर वाला कुछ ना कुछ करिश्मा करेगा ही। ओके, तो अभी इसके ऊपर काम चालू है कि आपने, या काम इसमें हो गया अभी? मतलब नहीं नहीं, अभी मैंने जस्ट अभी सोचना माइंड में शुरू किया है। देखो क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें कैसी है कि पहले, सबसे पहले आपने देखा, उसके बाद वो है ना आपको अपनी रगों में दौड़ाना पड़ता है उसको, वो बहना चाहिए अंदर, और फिर वो अचानक बाहर आएगा। तो मेरा वो चालू हो गया है, अंदर ही अंदर मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर कि किस तरह का थीम होना चाहिए। जितना खूबसूरत संजू बाबा ने काम किया है, संजय दत्त ने, तो जितना खूबसूरत अगर उन्होंने काम किया है तो यार उतना खूबसूरत मुझे भी तो अपना काम दिखाना पड़ेगा ना। क्योंकि वो गाने लोगों को अच्छे लगते हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि बप्पी दा ने इतना अच्छा गाना किया है तम्मा तम्मा, जो आज भी, मतलब आज भी उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्रेडिट गोज़ टू बप्पी दा, है ना उनकी। और हमको इज्जत करना चाहिए कि यार क्या कंपोज़र का पावर है वो, कि वो आज भी मजबूर कर रहा है कि लो भैया तुम ऐसे मुझे म्यूज़िक नहीं दोगे तो तुमको ऐसे लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो म्यूज़िक आदमी वही सोच के लेता है ना कि आज कौन रनिंग, कौन चल रहा है ना, कौन मार्केट में बिक रहा है। तो ये खुशी की बात है कि आज भी बप्पी लहरी का गाना उसी पैदान पे बिका, और उस फिल्म का सबसे बेस्ट गाना था, सोचो वो तम्मा तम्मा। तो मेरा, मुझे अच्छा क्या लगता है ना कि अच्छी चीज़ 20 साल बाद भी अच्छी लगेगी, मैंने यही कहा ना आपको। अब और आगे के 20 साल के बाद हो सकता कोई और भी तम्मा तम्मा करके निकलेगा यही। तो जो अच्छी चीज़ है ना वो कभी वेस्ट नहीं होती है, उस अच्छा काम करते रहो, बाकी सब पब्लिक पे छोड़ दो। ओके सर, इसके अलावा और क्या आपकी तरफ से आने वाला है जो भूमि के बाद में? भूमि के बाद में अपनी ऐसी ऐसी भूमिका निभाने वाला हूँ, बस ऊपर वाले से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस वो अपना साथ दे।